हे गाइस, स्वागत है एसडी टेक्निकल में। तो मैं आज कल की तरह आज एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। तो जिन जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और आप सबसे पहले देखते रहेंगे। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप के टू नए फीचर यूज़ कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री और जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बिना वेस्ट किए कोई टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, तो पहला ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देख ही सकते हैं। पहले तो आप इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं और इससे क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप लिखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन हिस्ट्री जैसे आप लिखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऐप्स चला आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इस वाले ऐप को नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग इसे इंस्टॉल करना होगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से इसे इंस्टॉल कर लिया है। तो अब इसे आप बैक कीजिए और आप इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। सिंपली इसे ओपन कर लीजिए और ये पहले आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो उस परमिशन को आपको अलाउ करना है, ठीक है। आप एडवांस नोट हिस्ट्री में जाइए और यहाँ से आपको इसे सिंपली ओके कर देना है, ठीक है। हिस्ट्री में जाके सभी नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। और फिर आप एडवांस हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। अब आप मान लीजिए कोई आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है, ओके। तो देखिए, मैंने मेरे दोस्त को कह रखा है कि मैसेज करके डिलीट कर दें। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि अगर कोई आपको मैसेज करता है और उस मैसेज को वो डिलीट कर देता है तो उस मैसेज को आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस ऐप की मदद से आप उसे बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं अगर उसने डिलीट भी कर दिया। ये देखिए, मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, मैंने जैसे इसे ओपन किया और उसने मैसेज को डिलीट कर दिया, तो मैं पढ़ भी नहीं पाया और उसने मैसेज को डिलीट कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं सीधे ऐप्स पे चला जाता हूँ, नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग पर इस ऐप को ओपन करता हूँ और एडवांस हिस्ट्री में चला जाता हूँ। जैसे मैं एडवांस हिस्ट्री में जाता हूँ, देखिए उसने क्या मैसेज किया था, कितने बजे मैसेज किया था और कब उसने मैसेज डिलीट भी किया था, सभी के सभी मुझको नोटिफिकेशन की तरह मिल चुके हैं। और सिर्फ छोटे कोई नहीं, बड़े बड़े मैसेज को भी आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं दूसरा जो ट्रिक है वो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को देखते रहिए ध्यान से एकदम, ओके गाइस। तो जो दूसरा ट्रिक है उसको करने के लिए आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा लंबे वीडियोस किसी को शेयर नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप का ये रूल है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो आप व्हाट्सएप पर शेयर नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस को भी, यानी कि 1 GB तक के वीडियो आप व्हाट्सएप पर किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में दूसरा ठीक है, आप पहले तो ये देख लीजिए। मैं ये वाला वीडियो जैसे मैं इसको भेजने की कोशिश करता हूँ, आप देख ही सकते हैं, इसे मैं पूरा नहीं भेज सकता, इसे मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमाइज़ करना पड़ेगा और पार्ट पार्ट में इसे भेजना पड़ेगा। तो मैं ये सब करने वाला नहीं हूँ, तो मैं सिंपली आपको प्ले स्टोर में चले जाना होगा। पहले तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको प्ले स्टोर ये रहा, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में लिखना होगा व्हाट्स टूल, ठीक है। व्हाट्स टूल जैसे आप लिखेंगे व्हाट्स टूल, चलिए ये देखिए व्हाट्स टूल शेयर फाइल via IM, ठीक है। इसे आपको सिंपली ओपन इंस्टॉल करना होगा और अब आपको जैसे इसे इंस्टॉल हो जाए तो इसे आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा आपसे, उस परमिशन को आपको अलाउ करना होगा और उस ये ऐप आपसे गूगल ड्राइव से लिंक करने के लिए पूछेगा। तो आप जिस ईमेल से आपका फ़ोन चलाते हैं उस ईमेल से आप गूगल ड्राइव को लिंक कर दीजिए, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पर सेंड के
आइटम में आप जाइए, ठीक है, सेंड के आइटम में जाने के बाद इसे शेयर कीजिए, शेयर के आइटम पर क्लिक करने के बाद आप वीडियोस या फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजना चाहते हैं लंबा, उसे आप क्लिक कीजिए, तो मैं सिंपली वो वाला वीडियो जिसको आप देख सकते हैं, जिसको मैंने भेजने की कोशिश की थी 5 मिनट का, ये देखिए, इसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, आप देख ही सकते हैं फाइल साइज़ 60.18 MB यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, तो इसे मैं शेयर करता हूँ, जैसे मैंने शेयर किया तो ये लिंक से कनेक्ट करेगा और आपको उसे अब व्हाट्सएप पर भेजना है, तो इसे भेजते हैं, मैंने अपने दोस्त को भेजने की कोशिश की थी, तो चलिए इसे भेजने की कोशिश करते हैं, और मैंने इसे भेज दिया, ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ आप देख ही सकते हैं यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, अब ये आपके नेट के ऊपर डिफेंस करता है कि आपका नेट कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है, अगर आपका नेट फास्ट है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, और अगर आपका नेट स्लो है तो बहुत ही देर लगाएगा, ठीक है, तो मेरा अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा देर लगाएगा, लेकिन आपका फाइल पूरी तरीके से आपके दोस्त के पास चला जाएगा और आपका दोस्त उसे डाउनलोड करके देख सकता है, और इसके आपके मदद से आप 1 GB तक कोई भी फाइल आप किसी को भी भेज सकते हो व्हाट्सएप के अंदर, तो यही था दोस्तों आज का दूसरा ट्रिक, और आशा करता हूँ ये दोनों ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, दिल में कुछ बात है कमेंट में मुझे लिखिए, और अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, मिलता हूँ दोस्तों अगली बार, चलता हूँ गैस।